मैं तनु बोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जिस उम्र में घुटने के दर्द और बीमारी में से परेशान होकर लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में अगर हम आपको कहें कि एक व्यक्ति अभी भी अपने घोड़े के साथ दौड़ सकता है और लगातार 3 घंटों तक दौड़ सकता है, तो आप कहेंगे कि ये नामुमकिन है। लेकिन ये सच है। बटाला के कस्बा तलवंडी झारू का रहने वाला 66 वर्षीय एथलीट बलवंत सिंह अभी भी इतनी उम्र में अपने घोड़े के साथ रोजाना दौड़ लगाते हैं और बिना रुके 3 घंटों तक दौड़ सकते हैं। इतनी दौड़ लगाने के बाद भी उनकी सांस नहीं फूलती। एक हाथ से अंगहीन होने के बाद भी बलवंत सिंह ने इसी दौड़ के चलते कई मुकाबलों में मेडल, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स भी अपने नाम किए हैं। लेकिन फिर भी कोई सरकार या सरकारी नुमाइंदा बलवंत सिंह की मदद के लिए आगे नहीं आया और यह धावक जो कि अभी भी दौड़ता है, लकड़ी काटकर अपने परिवार को पालन पोषण करता है। बलवंत सिंह ने बताया कि उसको बचपन से ही दौड़ने का शौक था और 18 की उम्र में ही कबड्डी खेलना भी शुरू किया और तब से लेकर अब तक दौड़ने का शौक चला आ रहा है और अभी तक कई दौड़ मुकाबलों में 100 के करीब मेडल, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट्स अपने नाम कर चुके हैं। अटारी बॉर्डर पर BSF के द्वारा कराए गए 60 की उम्र के दौड़ मुकाबलों में भी पहला नकद इनाम 5100 रुपये का जीता है। वहीं बलवंत सिंह का कहना है कि मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, जालंधर जैसे कई बड़े शहरों में दौड़ मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन किसी सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की और वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लकड़ी काटने का काम करते हैं। उनका कहना है कि उनकी खुराक घोड़े जितनी है और वह देसी घी समेत दूध, अंडा, मीट डटकर खाते हैं और रोजाना सुबह शाम अपने घोड़े के साथ दौड़ लगाते हैं। लेकिन वह नशे व चाय के आसपास भी नहीं जाते और यही शिक्षा अपने गांव और आसपास के रहने वाले नौजवानों को भी देते हैं। बलवंत सिंह का कहना है कि उन्होंने 25 के करीब नौजवानों को दौड़ की सिखलाई भी दी है, जिसमें कई नौजवान फौज में नौकरी भी कर रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकी मालिक की खास रिपोर्ट। मेरी जी मैनू 67वां साल लगा है। ये दौड़ का किदां शौक चढ़िया ते किदां दौड़ दे रहे? ए जी बचपन तो ही अहीं कबड्डी खेडदे रहे, माड़ी मोटी कबड्डी खेडनी तो उदों सानूं दिंदे कि रुपया जां थेली दिंदे सी, जां वध तों वध 2 रुपये। ए 15-20 साल खेडी है, दौड़ दा प्रोग्राम है डिया पिया करन। मैं इन्हां बच्चों नूं आना, पिंड दे बच्चों नूं आना, ओए लिख पढ़ लिख के ते मेहनत करो, मेहनत लाओ, पूरी रज के लाओ। खुराक जी समझ लो भी घोड़िया ही खुराक ही मैं खाँदा जी, घोड़ा घोड़े भी छोले चपदा तो मैं भी छोले ही चपदा जी। पाइया 1.5 पाइया घ्यो मैं दूजे दिन रगड़ जाना हाले, भाएं रोज़ मिल जाए 1.5 पाइया मैनू, मैं नहीं पछाँ हटदा वे, खाण तो नहीं हटदा वजन। तो नशा नहीं मैं अज तक किया, अज तक मैं नशे नू हाथ नहीं, हाथ जरूर लाया लेकिन अंदर नहीं लगाया नशा। पाइया ही तो मैं शराब नहीं पीती, कोई ऐप नहीं किया, इतने सुके ही वेला चाह ही तो मैंने ऐप नहीं, चाह नहीं मैंने घर तो घर 30-35 साल हो गया चाह के लागे नहीं मैं गया। पहला भी मैं थोड़ी पीता रहा, हूँ बिल्कुल ही नहीं पीता 30-35 साल तो। सब तो मैं पहला अमृतसर रेस लाई है, तो उदू बाद चंडीगढ़, इलाहाबाद, अपने बंबे भी भजी आ, दिल्ली भी भज के आया वा, अपने होर मैंने शहर का नाम नहीं आता जी, मैं बहुत थाई भजा मैं ये, लेकिन मैं बच्चों ने भी अपने पिंड मैं होरना बच्चों भी आना वा भी नशे वाल ना जायो, तो अपने मेहनत मारो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। इन्नी उम्र के जज्बा वा, इन तो दौड़ा लाइया वा, हाँ जी हाँ जी, किसी सरकार ने या किसी सरकार के नुमाइंदे ने हूँ तक कोई बांह फड़ी तो ना जी? किसी ने नहीं फड़ी कोई गल नहीं, किसी रकम वे लो ते सामने मैं मेहनत करना, कुहाड़ा फेरदा वा, रोटी खाई जाई दी, जिते कोई आंदा ना दौड़ लाउणी आ उत्थे मैं ते मेरा सताद वा शिंदा फौजी, ये मैनू जिते भी यो खड़ता, मैनू रिटायर हो गया वा, 2 नौकरियां इन्हें कीतियां, जिते भी खड़ता मैनू यो खड़ता, मैनू तो पता नहीं लगता भी आह शहर कि आह कि चिट्टा अनबाड़ा अंगूठा साहब वा। मेरे हिसाब से मैं 80-90 मैडल जोड़े ना वो ले ले हूँ, सीता 100 ही होना वा, लोग लै लू जाते कोई सज्जन मैनू आता मैनू दे। इतने मैं 5 किलोमीटर लाई जी अपने इतने अटारी बार्डर से, अटारी बार्डर मैं फर्स्ट आया, मैं जिते गया मैं फर्स्ट ही आया जी, मैं अज तक दूजे नंबर उतो मैंने जी 51,000 रुपया दिता उन्हें,
एक मैं चेक दिता वड्डा हारा लाया घर मैं। नौजवानों तो मैं यो करूँगा भी खिडारी बन जाओ, खिडारी बन जाओ, पढ़े लिखे तुम बचे जे तो नशियां वाल ना जाओ, भावें जो मर्जी हो जाए, जान निकल जाए तो निकल जाए, नशियां वाल ना जाओ। ट्रेनिंग देंगे अपने पिंड दे बच्चे? मैं जी इतने आज भी 25 मुंडिया शक्ल ट्रेनिंग दी आ कोल ग्राउंड के तो मेरे हिसाब न 6-7 बंदे ही बचे आ, बाकी सारे आर्मी च हो गए। मैं अजे 3.5 घंटे भज सकना लगातार, 3.5 घंटे मैं लगातार भज सकना, क्यों 65 स्पीड ज़्यादा होंगी है, जो 21-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल जाइए ना तो फिर थोड़ी जी स्पीड घटनी पैंती। इस उम्र के आ के कई तरह प्रॉब्लम आ जाएँ, बुढ़िया लक की पीड़, गोडिया की पीड़, किसी होर मोढ़िया की पीड़, कई तरह की बीमारी नहीं जी मैनू अज तक नहीं आई, बड़ी मालिक ने जदों वेख्या भी हूँ ज़्यादा कुहाड़ा फेर लिया उदा मैनू ना मेरा शरीर ढिला जा पै जाना, तो उदा मैं इन्हों आना हूं मैं मैंने वाह वाह आना 2 कड़छियाँ छड़ के 3 कड़छियाँ घ्यो दियाँ पा के दुध गर्म करके दे दौ तो उत्ते लीड़ा लैना मेरा फिर शरीर उस तरह का लुस करता। कभी कोई दर्द हो ना? ना कोई दर्द शर्द नहीं मैं किस रकम की दर्द नहीं, हाँ जी कोई रकम की दर्द नहीं मिली। बचपन तो ये अपना शिकार खेडते होंगे तो ये अपना खरगोश तक नाल खरगोश के नाल भजदा रहा अपने कुत्तियां दे नाल बराबर जाके इन्नी दौड़ दी अपनी होंगी बहुत ज्यादा दौड़ शुरू तो निपटता करके ना ये किसी पासे नहीं लग सके। सरकार वालों कोई कोई सहूलत नहीं, कोई नहीं अपने कोलों किराया खर्च के जरा मेहनत करके कुहाड़ा बनता जो सारी दिहाड़ी तो मेहनत करके तो अपना बच्चे पालन दिया जी। इन्होंने सरकार इन्होंने बांह फड़न थोड़ी बहुत इन्होंने सहूलत कोई ना कोई दी जाए जी। इलाहाबाद तक नखलऊ बंबे सारे चंडीगढ़ दिल्ली मस्तुआने ये सारे अपना ना अमृतसर ये सारे इलाके तकरीबन इन्हू पजा लेंदा फर्स्ट आंदा है।